मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, बोल सियावर राम चंद्र की जय। जब राम जी का वनवास समाप्त होता है और राम जी वापस अयोध्या लौट कर आते हैं तो राम जी का अयोध्या में बहुत ही भव्य स्वागत होता है तथा धूमधाम से राम जी का राज्याभिषेक किया जाता है। राम जैसे राजा और लक्ष्मण जैसे भाई वास्तव में ही इस संसार में बहुत कम लोगों को नसीब हुए हैं। राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद राम जी का लक्ष्मण को ये आदेश होता है कि अपने भोजन करने से पहले द्वार पर जाकर के देखना कि कहीं कोई भूखा तो नहीं। आज की यह वीडियो उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने जीवन में उच्च पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी अपने भोजन करने से पूर्व नित्य प्रतिदिन द्वार पर जाते थे और जाकर के देखते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं बैठा और इस बात की सूचना राम जी को दिया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक ही एक घटना घटी। नित्य प्रतिदिन की तरह राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी अपने भोजन करने से पूर्व द्वार पर जाते हैं और जाकर के आवाज देते हैं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया, कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया, और आकर के इस बात की सूचना राम जी को देते हैं। जब लक्ष्मण जी राम जी को इस बात की सूचना देते हैं तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण एक बार और जाओ और जाकर के देखो कि क्या पता शायद कहीं कोई भूखा बैठा हो। राम जी की बात सुनकर के लक्ष्मण जी दोबारा से द्वार की ओर आते हैं और आकर के फिर से आवाज देते हैं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई भूखा तो नहीं। लक्ष्मण जी के आवाज देने के बाद भी कहीं पर कोई भूखा नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद ही कहीं से कोई रोने की आवाज लक्ष्मण जी के कानों तक आती है और जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो वहां कोने पर एक कुत्ता बैठ करके रो रहा होता है। लक्ष्मण जी को देख करके बड़ा ही विचित्र लगता है। लक्ष्मण जी राम जी के पास लौट करके आते हैं और कहते हैं कि प्रभु द्वार पर कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं, लेकिन हाँ द्वार के बाहर एक कुत्ता बैठ करके रो रहा है। इतना सुनते ही राम जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जाओ लक्ष्मण, जाकर के तुरंत शीघ्र उस कुत्ते को महल में लेकर के आओ। राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी जाते हैं और जाकर के उस कुत्ते को तुरंत राम जी के पास ले आते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी को उस कुत्ते के पास लाते हैं, राम जी उस कुत्ते से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों रो रहे हो। इस पर वह कुत्ता कहता है कि प्रभु मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक मुझे एक ब्राह्मण ने बहुत जोर से डंडा मारा। उस ब्राह्मण के द्वारा मारी गई लाठी से मुझे बहुत पीड़ा हुई, जिस पीड़ा के कारण मैं अब तक रो रहा हूँ। इतना सुनते ही राम जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुरंत से तुरंत उस ब्राह्मण को महल में बुलाया जाए। राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी तुरंत उस ब्राह्मण को महल में बुलवा लेते हैं और ब्राह्मण से पूछा जाता है कि क्या तुमने इस कुत्ते को लाठी मारी है। ब्राह्मण कहता है कि हाँ प्रभु मैंने इसे लाठी मारी है क्योंकि ये मेरी जगह पर सो रहा था। इन कुत्तों का जहाँ मन करता है ये वहाँ सो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, इसीलिए इन कुत्तों को तो लाठी से ही मारना चाहिए। इतना सुनते ही राम जी समझ जाते हैं कि सारी गलती ब्राह्मण की है और वह कुत्ते से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तब वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु इस ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया जाए। जब कुत्ता इस बात को कहता है तो राम जी मुस्कुराने लगते हैं। राम जी मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछते हैं कि यदि ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया जाए तो इससे तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा, इसमें तो ब्राह्मण का ही लाभ है। यदि ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया जाए तो इससे उनके चेले चपाटे बढ़ जाएंगे, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उन्हें खाने के लिए मेवा और मिश्री मिलेगा, भला ऐसा करने से तुम्हें न्याय कैसे मिल सकता है। इस पर कुत्ता मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रभु मैं भी कभी मठाधीश था, मुझसे भी कोई गलती हुई जिस कारण मुझे आज इस नीच कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं भी चाहता हूँ कि ब्राह्मण को भी मठाधीश बना दिया जाए जिससे ये भी कोई गलती करे और इनका भी जन्म एक कुत्ते की योनि में हो, और जिस प्रकार से आज सभी लोग मुझे डंडा मारते हैं और ब्राह्मण ने भी मुझे डंडे से मारा है, ठीक इसी प्रकार से जब इन ब्राह्मण देव का जन्म भी एक कुत्ते की योनि में होगा और सभी लोग इनको डंडे मारेंगे तो मेरा अपमान अपने आप ही पूरा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो से संबंधित कुछ भी यदि पूछना और बताना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।